हेलो एवरीवन। तो ये एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन सब क्वेरी का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ एसक्यूएल सब क्वेरी के क्वेश्चन क्वेरीज को जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व किया। ये पार्ट 3 है, इसमें हम और कुछ अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन को पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व किया है। इस पार्ट 3 में हम रेस्ट लाइक 41 से 50 ये 10 क्वेरी को सॉल्व करेंगे। मैं समझा के क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ताकि आपके भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो मैं भी इसको करने वाला हूँ और जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करूँगा वो रहेगा एसक्यूएल स्टार प्लस। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। डाउनलोड करना और इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप मेरा जब ये एसक्यूएल लेक्चर इन हिंदी को जब आप प्लेलिस्ट में आओगे तो जो फर्स्ट वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे दो वीडियोस हैं, सॉरी दो फाइल है, एक वीडियो है एक सॉफ्टवेयर का लिंक है। तो वीडियो को देख के ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अगर आप बिना देखे इंस्टॉल करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप वीडियो देख के ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। और अभी जो क्वेरी सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ हर एक टॉपिक वाइज, लाइक इससे पहले मैंने ऑपरेटर्स पे सारा इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करा है, उसके बाद ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज में जितने होते हैं उसको कवर करा है, फिर सिंगल रो फंक्शंस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको दो पार्ट में कवर किया। अभी मैं सब क्वेरी पे फोकस कर रहा हूँ, तो सब क्वेरी का पहला पार्ट मैं बना चुका था, अभी कल दूसरा पार्ट बनाया हूँ, आज तीसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको और तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। स्क्रीन क्लियर करने से पहले ये जो टेबल है, एक स्कीमा जो यूज कर रहे हैं हम वो स्कॉट स्कीमा है, जिसमें दो टेबल है, एक एम्प्लॉय नाम का एक डिपार्टमेंट नाम का। तो जो भी क्वेरी प्रिपेयर होगी हमारी इन्हीं दो टेबल के अराउंड में रहेगी। ठीक है, तो अराउंड में है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं, 41, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन 41 होगा। डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु आर रिपोर्टिंग टू ब्लैक। आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कहीं पे, ये 31 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑल द नेम हु आर रिपोर्टिंग टू ब्लैक, और 41 डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम, यहाँ डिपार्टमेंट नेम और यहाँ पे लोकेशन। तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु आर रिपोर्टिंग टू ब्लैक। तो अगर आप 31 को सॉल्व कर चुके, मैंने आपको बताया किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इस 41 को सॉल्व करने के लिए ना, इस 41 को सॉल्व करने के लिए आप ये 31 वाला वीडियो, मतलब पार्ट 2 का फर्स्ट वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो मैं इसको भी सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ। जो क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ वो ये होगा, डिस्प्ले मार्टिन मैनेजर्स मैनेजर्स डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। इसमें क्या करना है, तो मार्टिन के मैनेजर का जो मैनेजर होगा उसका डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन शो करना है। तो पहले मैं टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, कह रहा है कि जो मार्टिन है, तो अब पहले टेबल देखो, टेबल में क्या, एम्प्लॉई टेबल में पहले एम्प्लॉई का नंबर है, जो एम्प्लॉय आईडी एक तरह से जो यूनिक होता है, एम्प्लॉय का नेम है, वो किस टाइप का जॉब कर रहा है, एमजीआर जो बताता है उसकी मैनेजर की आईडी, मीन्स ये पर्टिकुलर जो इम्प्लॉय उसकी मैनेजर की आईडी 7902 है, मीन्स 7902 उसका मैनेजर होगा, मीन्स फोर्ड स्मिथ का मैनेजर है। हायर डेट बताता है किस डेट को उसने कंपनी ज्वाइन की, सैलरी बताती है उसकी पर मंथ की सैलरी, कमीशन बताता है उसको कमीशन कितना दिया गया है, और डिपार्टमेंट नंबर बताता है किस डिपार्टमेंट नंबर में वो काम करता है। और अलग से फिर डिपार्टमेंट टेबल है जो कि ये बताता है डिपार्टमेंट का डिटेल्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, लाइक डिपार्टमेंट नंबर क्या है, उसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, और किस लोकेशन में वो डिपार्टमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि मार्टिन का जो मैनेजर होगा, ठीक है, मार्टिन के मैनेजर, अगर मार्टिन का मैनेजर मतलब मार्टिन है, ठीक है, उसका एक अपना मैनेजर होगा, तो मान लो M1। ठीक है, अब उसके मैनेजर मतलब M2, ठीक है, ये जो होगा उसका क्या डिस्प्ले करना है, उसका मुझे देखो तो नेम, डिपार्टमेंट का नेम और लोकेशन। ठीक है, नेम और लोकेशन, तो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, वो भी कौन सा नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए
और लोकेशन चाहिए। तो अगर आप ध्यान दो, मार्टिन प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में, मार्टिन समवेयर यहाँ पर है, ठीक है। और जो डिस्प्ले करना है डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट टेबल में और मार्टिन एम्प्लॉय टेबल में। डिस्प्ले करना है डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, ये दो टेबल, दोनों टेबल से मुझे डेटा डिस्प्ले करना है। तो हमें क्या करना है, मार्टिन के मैनेजर पहले M1 फाइंड करो कौन है। तो मार्टिन का मैनेजर कौन होगा, तो पहले उसका हमें MGR वैल्यू फाइंड करेंगे। तो MGR वैल्यू 7698, तो 7698 बता रहा है कि उसकी मैनेजर की आईडी है, मार्टिन के मैनेजर की आईडी। अब चेक करो 7698 कहाँ पे है एम्प्लॉय टेबल में। तो अब यहाँ देखो 7698 ब्लैक की आईडी है, मीन्स मार्टिन का जो मैनेजर है वो कौन है, ब्लैक है, ठीक है। अब बोला क्या था, एक कंडीशन ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, मार्टिन का मैनेजर मिल गया। अब इस मैनेजर का भी कोई मैनेजर है, तो अगर आप ब्लैक को चेक करो तो उसकी ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे उसका जो MGR वैल्यू 7839। अब ये 7839, ठीक है, किसका एम्प्लॉय आईडी है, तो आप देखो यहाँ पे किंग का, तो ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो मार्टिन का मैनेजर ब्लैक हुआ और ब्लैक का मैनेजर किंग हुआ। अब किंग का मुझे डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन को डिस्प्ले करना है, तो किंग का हमें डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करना है। तो किंग का डिपार्टमेंट नंबर 10 है और 10 यहाँ पे है, तो उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है जो डिस्प्ले होगा, अकाउंटिंग, और लोकेशन क्या होगा, न्यूयॉर्क। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, अकाउंटिंग और न्यूयॉर्क। चलो क्वेरी को लिखते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पे आते हैं, एडिटर ओपन करते हैं, होप कि क्वेरी समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा यहाँ से गायब करते हैं। जो मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है, सेलेक्ट डी नेम और लोकेशन, यही तो डिस्प्ले करना है। किस टेबल से डिस्प्ले करना है, तो हमें पता है डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है। वेयर इस वही डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन को मैच करना है, मतलब शो करना है, जिसका डिपार्टमेंट नंबर, ये जो डिपार्टमेंट नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इन ऑपरेटर, मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर खोलूँगा, ठीक है। वो जो अभी कौन सा डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, तो हमें एम्प्लॉय टेबल से फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करेंगे। अब किसका डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करेंगे, तो पहले हम किंग, तो हमें पहले पहले हम किसका फाइंड करेंगे, पहले तो देखो डिपार्टमेंट नंबर नहीं फाइंड करते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, मार्टिन का MGR वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। मैनेजर कौन है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट MGR, सेलेक्ट MGR, पहले मार्टिन का क्या फाइंड करते हैं, मार्टिन का पहले मैनेजर कौन, उसको फाइंड कर लेते हैं ना। सेलेक्ट MGR फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर ई नेम क्या है, वेयर ई नेम इक्वल टू, वेयर ई नेम इक्वल टू मार्टिन, मार्टिन, ठीक है। अब इस MGR को क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय नंबर से ही हमको मैच करना है, तो इसको अंदर ले आओ, इनर क्वेरी बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो सेलेक्ट EMP नंबर, ठीक है, फ्रॉम EMP टेबल से ही, वेयर EMP नंबर इन, ठीक है। ये क्या दे देगा, ये दे देगा, ये क्वेरी तो पहले तो दे रहा है मार्टिन का मैनेजर फाइंड करके दिया हम, फिर इस मैनेजर का जो आईडी आया उसको, उससे हम एम्प्लॉय का आईडी फाइंड किए और उसका एम्प्लॉय नंबर फाइंड कर लिए। अब जो एम्प्लॉय आया ब्लैक आया, अब ब्लैक का अगर हम MGR वैल्यू फाइंड करेंगे, अब इस MGR वैल्यू से फिर क्या करना है, सेम क्वेरी का, ये MGR वैल्यू यहाँ से ब्लैक का मिल जाएगा। अब इस MGR वैल्यू को फिर से किसी के एम्प्लॉय नंबर से मैच कर दो। तो सेम कहानी अगर मैं ये वाला फिर से लिख दूँ, ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सेम कहानी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला मार्टिन का मैनेजर दे दिया, इतना पार्ट ब्लैक का मैनेजर दे दिया। अब ब्लैक का मैनेजर यहाँ पे हमें आ गया, ठीक है, उसका एम्प्लॉय नंबर मैच कर दिए, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या करना है, मैनेजर का डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन डिस्प्ले करना है। तो जो मैनेजर आया उसका हमें, अगर हम डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले कर दें, डेप्ट नंबर, तो यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर मिल जाएगा। अब इस डिपार्टमेंट नंबर को क्या करना है, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर देना है,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम कौन से टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से, और वेयर डेप्थ नंबर इन, ठीक है, वेयर डेप्थ नंबर इन, जिससे ये मैच कर जाएगा उसी का शो करना है। कंट्रोल एस, फाइल एग्जिट, ठीक, न्यूयॉर्क हुआ गया, मैंने डिपार्टमेंट नंबर ये कर दिया, इसको मैं रीनेम करना था मुझे, तो रीनेम, सेव करके एग्जिट। सी अकाउंटिंग और न्यूयॉर्क डिस्प्ले हो गया बैकग्राउंड नॉइस के लिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले मार्ट, अच्छा ये हो गया, डिस्प्ले द मैनेजर, ठीक है, हमें क्या करना है, डिस्प्ले द मैनेजर नंबर, मैनेजर मतलब MGR वैल्यू शो करना, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर फॉर दोज हु डोंट हैव कमीशन इन द लोकेशन शिकागो और डलास। तो हमें क्या करना है, वैसे एम्प्लॉय का मैनेजर, डिस्प्ले द मैनेजर मतलब मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय का, ठीक है, मतलब सॉरी मैनेजर नंबर डिस्प्ले करना है वो एम्प्लॉय, मतलब देखो मैनेजर नंबर के साथ हम एम्प्लॉय का नेम और उसका मैनेजर का नेम शो कर देंगे, फिर वो एम्प्लॉय किस टाइप का जॉब करता है वो शो कर देंगे और उसका डिपार्टमेंट नंबर शो कर देंगे। फॉर दोज हु डोंट हैव कमीशन, जिसको कमीशन नहीं मिलता है, ठीक है, बट कंडीशन एक और क्या है कि जो एम्प्लॉय वर्क करता हो डलास और शिकागो में वर्क करता हो, तो पहले क्या करना है, डलास और शिकागो का लोकेशन नंबर मतलब डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करो, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर को फिर एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से मैच करो और वहाँ पे कंडीशन लगा दो, जो वेयर कमीशन, जहाँ पे कमीशन नल है और जहाँ पे कमीशन नल मिल रहा है इस डिपार्टमेंट नंबर से, उनका मुझे क्या करना है, उनका मुझे मैनेजर का नंबर, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर शो करना है। तो चलिए क्वेरी पे चलते हैं, क्लियर स्क्रीन, ठीक है, क्लियर स्क्रीन, हमें पहले तो एडिटर ओपन करो, इसको हटा दो, पहले फाइंड करो डिपार्टमेंट नंबर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर 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 डी नेम और सॉरी वेयर लोकेशन इन कहाँ कहाँ से होना चाहिए, तो एक था शिकागो, CHIC, AGO, ये शिकागो हो जाता है, दूसरा कौन सा था, दूसरा था डलास, DALLAS, डलास, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना, क्वेश्चन में देख लो किधर गया, हाँ सही है, ठीक है, हाँ डलास हो गया, चलो क्वेश्चन यहीं पे ओपन रहे तो बढ़िया रहेगा, तो यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर में मिल गया, इसको इनर क्वेरी बना देते हैं और सेम, ठीक है, अब यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर, इस डिपार्टमेंट नंबर को मैच कर दो एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से, तो वेयर हम डायरेक्ट जो कर देते हैं, वेयर डिपार्ट डेप्थ नंबर इन, डेप्थ नंबर इन, दो मल्टीपल डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है इसलिए मल्टीपल ही ऑपरेटर, ठीक है, जो डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है, मैनेजर का नंबर, तो MGR डिस्प्ले करना है, तो MGR डिस्प्ले करने से पहले मैं ई नेम डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है, MGR, ठीक है, और जॉब, ठीक है, एम्प्लॉय का जॉब, उसका डिपार्टमेंट नंबर, यही डिस्प्ले करना है। अब ये सारा है कहाँ पे, ये सारा है एम्प्लॉय टेबल पे, कंडीशन और है, सिर्फ उतना कंडीशन नहीं है, हु डोंट हैव कमीशन, जिसके पास कमीशन नहीं है, तो कमीशन अब एम्प्लॉय टेबल पे ही लगेगा, तो एक कंडीशन हमने डिपार्टमेंट नंबर तो हम ले आए यहाँ से, ठीक है, अब एक कंडीशन और लगाना है, तो अब यहाँ पे आओ एंड लगा दो, देखो थोड़ा मैं क्वेरी को अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला वेयर, ये सेलेक्ट वाला काम इधर, डिपार्टमेंट वाला काम यहाँ तक हो गया, अब जो ये एंड लग रहा नहीं है, मैन आउटर क्वेरी पे लग रहा है, ठीक है, तो एंड कमीशन फॉर दोज हु डोंट हैव कमीशन, एंड कमीशन इज नल, कमीशन है ही नहीं, तो कमीशन इज नल, कंट्रोल एस से सेव करो,
फाइल में जाके यहाँ से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर पे ही आते हैं। अब इसको यहाँ पे ये देखो, ये सारा आ गया। ठीक है, इतने सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ गया। उनका MGR वैल्यू ये है, एम्प्लॉय ये रहा, उनका MGR वैल्यू ये रहा, उनका जॉब टाइप ये रहा, और उनको डिपार्टमेंट 20 और 30, दो डिपार्टमेंट थे, शिकागो और डलास। ठीक है, शिकागो और डलास आप यहाँ से देखो, शिकागो का डलास 20 है, शिकागो 30 है, तो 30 और 20 के रिकॉर्ड हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44। डिस्प्ले द इम्प्लॉयज डिटेल्स विद देयर एनुअल सैलरी हु अर्न मैक्सिमम कमीशन। तो क्या करना है कि मुझे वैसे इम्प्लॉय का डिटेल्स को शो करना है। ठीक है, डिस्प्ले इम्प्लॉय डिटेल्स, सारा डिटेल्स शो करना है विद देयर एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी के साथ। ठीक है, एनुअल सैलरी के साथ हु अर्न मैक्सिमम कमीशन। तो आप यहाँ अगर मैं टेबल पे ले जाऊँ एक बार, तो ये इम्प्लॉय टेबल है, जो कहानी है इम्प्लॉय टेबल पे ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कि मुझे इम्प्लॉय का सारा डिटेल्स, मतलब इम्प्लॉय नेम, नंबर, नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, सब शो करना है। साथ में उसका एनुअल सैलरी, मतलब एक कॉलम और इधर शो करना है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ने कहता है कि जिसके पास मैक्सिमम सैलरी हो, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी मार्टिन का है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मार्टिन का रिकॉर्ड शो करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेरी लिखते हैं इसका, सॉफ्टवेयर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दें, पहले पहले मैक्सिमम कमीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से तो सेलेक्ट मैक्स कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ओके वेयर कंडीशन कुछ नहीं है, यहाँ से मैक्सिमम कमीशन हमें मिल जाएगा। तो इसको क्या करो, इसको इनर क्वेरी बना दो। यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, मैक्सिमम कमीशन। अब जिसका मैक्सिमम कमीशन आ रहा है, उसका क्या करना है मुझे, उसका मुझे सारा रिकॉर्ड शो करना है। तो सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट, अब यहाँ पे ना एलियास पास करना होगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम EMP। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा EMP.star, स्टार लगा दूँ कॉमा। अब उसका ये स्टार लगाने से सारा कुछ उठा के ले आएगा टेबल से। ठीक है, सारा डिटेल्स ले आएगा, और उसका एनुअल सैलरी भी शो करना है। तो यहाँ पे सैलरी गुना जो सैलरी वाला कॉलम है, उसमें 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एनुअल सैलरी हो जाएगा। तो मैं इसको एलियाज नेम दे देता हूँ, एनुअल सैलरी। ठीक है, एनुअल सैलरी। अब कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। कंडीशन यहाँ पे है वेयर कमीशन इन, ठीक है, वेयर कमीशन, इस वाले कमीशन से मैच कर देते। कंट्रोल एस, फाइल में जाके एग्जिट, देखिए मार्टिन का आ गया रिकॉर्ड। ये मंथली सैलरी है और ये यहाँ पे एनुअल सैलरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा 45। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट देख लेते हैं। कहता क्या है, डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट इज सेल्स। तो मुझे मुझे वैसे एम्प्लॉय को शो करना है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एंड हु इज अर्निंग सम कमीशन। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में तो काम करते हैं, लेकिन उनको कुछ कमीशन मिलता हो। ब्रैकेट में एक कंडीशन है, दैट इज कमीशन इज नॉट नल और जीरो, एंड कमीशन नॉट नल और जीरो इज, मतलब हु इज जीरो भी नहीं होना चाहिए और नॉट नल भी नहीं, तो ठीक है, तो जीरो से बड़ा। ठीक है, एंड हु इज हायर बिफोर द लास्ट पर्सन हायर। कंडीशन एक और है, हु इज हायर बिफोर, मतलब जो सेकेंड लास्ट पर्सन जो कंपनी को ज्वाइन किया, मतलब अगर आप सबसे पीछे ज्वाइन किए हो, तो आपसे पहले कोई ज्वाइन किया हो ना, तो उसका मुझे डिटेल शो करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, मैं फिर से क्वेरी लिखते लिखते इसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पे आते हैं, एडिटर ओपन। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि क्वेरी लिख के ही समझाना पड़ता है, कुछ है कि टेबल में आपको एक बार समझा दिए तब इजी वे में समझ में आएगा। तो जो मुझे डिस्प्ले करना है ना, तो पहले कंडीशन ने क्या था, कंडीशन कहाँ गया भाई, मैं इसको इधर ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये 45 इधर रहा और तुम इधर आ। ठीक है,
डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट इज सेल्स एंड हु इज अर्निंग सम कमीशन, जो सेल्स में काम करते हो और जिसका कुछ कमीशन हो। एक सेकेंड, मैं मल्टी पार्ट तो ओपन कर सकता हूँ ना, विंडो मल्टी पार्ट में अगर कर दो। अच्छा शायद फीचर मुझे ही पता नहीं है। ओके ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हु डिपार्टमेंट इज हैव इज इन सेल्स, हु इज वर्किंग इन सेल्स एंड हु इज अर्निंग सम कमीशन एंड हु इज हायर्ड बिफोर द लास्ट पर्सन हायर्ड। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला क्वेरी फाइंड करते हैं कि सबसे लास्ट में कौन हायर। ठीक है, सबसे लास्ट में जो हायर हुआ होगा उसका जो हायर रेट होगा वो मैक्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस सी एल सेलेक्ट मैक्स हायर डेट। ये हायर डेट का कॉलम एम्प्लॉय टेबल में पहले से है। ठीक है, कौन से टेबल से लेना है, एम्प्लॉय टेबल से। ये मैक्सिमम हायर डेट हमें निकाल के देगा। ठीक है, तो इसको इनर क्वेरी बनाते हैं। ये तो मैक्सिमम हायर डेट मतलब जो सबसे लास्ट में जॉब जो हायर हुआ होगा ना, जो कंपनी ज्वाइन किया होगा, ये उसका डिटेल देगा। लेकिन कंडीशन क्या, हु इज हायर्ड बिफोर मतलब इससे पहले जो ज्वाइन किया हो, तो जो ज्वाइन किया होगा इससे पहले उसकी वैल्यू इससे छोटी होगी। ठीक है, तो इसको हम बड़ा बनाते हैं, तो ग्रेटर देन का साइन देते हैं यहाँ पे हायर डेट। ठीक है, जिस जो भी हायर होगा होगा, ये जो हायर डेट होगा इस हायर डेट से छोटा होगा, तो वही हायर डेट को तो मुझे डिस्प्ले करना है, मतलब उसके उस हायर डेट वाले एम्प्लॉय का डिटेल डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हायर डेट, तो ये जो भी कंडीशन होगा वेयर क्लॉज में होगा, वेयर हायर डेट इज लेस देन दिस। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है कि हु इज अर्निंग सम कमीशन, जो कुछ कमीशन अर्न करना, दैट इज कमीशन इज नॉट नल और जीरो। तो मतलब जो कमीशन होगा वो जीरो से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये एक कंडीशन यहाँ पे हो गया, ये हायर डेट, इसको यहाँ पे ले जाओ, ये एक हो गया। ठीक है, अब एक कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं, एंड कमीशन इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, कमीशन जीरो से बड़ा होना चाहिए। दूसरा और कंडीशन है यहाँ पे, एंड एंड क्या है कि डिस्प्ले द एम्प्लॉयज हो, तो पहले मैं डिस्प्ले जो करना है वो मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर पर अच्छा नहीं लग रहा है देखने, सेलेक्ट लाइक ई नेम डिस्प्ले कर लेते। ठीक है, लाइक सिर्फ नेम डिस्प्ले करते हैं, और नेम एम्प्लॉय का ही डिस्प्ले करना है तो एम्प्लॉय टेबल खोलेंगे। हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे और बचा हुआ है, कौन सा कंडीशन है, ध्यान दो, एम्प्लॉय हु आर वर्किंग ऑन सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स कहाँ पे है, तो मैं एक बार टेबल दिखाऊँ, तो सेल्स है मेरा यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में। तो डिपार्टमेंट टेबल से सेल्स का सॉरी डिपार्टमेंट टेबल से सेल्स का डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करके उसको एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर देना। ठीक है, तो ये तीसरा कंडीशन होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन। ठीक है, अब निकालो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल से, तो सेलेक्ट डेप्ट नंबर, डेप्ट डेप्ट नंबर, ठीक है, फ्रॉम डेप्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, वेयर यहाँ पे कंडीशन क्या है, वेयर ये डी नेम है सेल्स, तो डी नेम इक्वल टू सेल्स, एस ए एल ई एस सेल्स। ठीक है, सेव कर दो, अब फाइल में जाके एग्जिट हो जाओ, अब सॉफ्टवेयर पे आओ, ये एंटर, नो रो सेलेक्टेड, वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं, क्वेरी यही होगी और वैसा कोई नहीं है। अगर एक सपोज मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ, ले सपोज जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, कोई रिकॉर्ड आता है क्या, मैं बस देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए तो सेव कर दिया, फाइल में जाके एग्जिट। ठीक है, नहीं अभी भी कोई नहीं आ रहा, तो वैसा कोई कंडीशन से मैच नहीं हो पा रहा, तो रिकॉर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, अगर क्वेरी गलत होता ना, क्वेरी तो मैं आपके सामने लिख लिख के बता दिया। ठीक है, क्वेरी में कहीं गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 46, डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट नेम नेम्स फॉर वार्ड्स मैनेजर मैनेजर, डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट नेम फॉर वार्ड मैनेजर। ऑल नहीं होगा, सिंपल सा मुझे क्या करना है, वार्ड का जो मैनेजर है और उसका जो मैनेजर है उसका डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना था। ये लॉजिक मैंने अभी कहीं समझाया आपको, कहाँ पे समझाया, ये वाला। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले मार्टिन मैनेजर्स मैनेजर नेम एंड लोकेशन डिस्प्ले करना था 42 में,
और 46 में क्या करना है, डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है। तो सेम टेबल को वो यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को। तो 42 मैंने बताया है, 46 आप खुद कर लो, दोनों सेम है। नहीं होता आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ 47 पे आते हैं, कि अगर मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो जो सेम टाइप का लग रहा है, कौन कौन सा मुझे लगा कि मैंने बताया हुआ है, मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सॉल्व करो, ठीक है। 47, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द क्लर्क। बढ़िया क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है उन एम्प्लॉय का जिनकी सैलरी ज़्यादा है, जितने भी जिनकी सैलरी ज़्यादा है। तो अब किससे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा है जो एज अ क्लर्क जॉब करते हैं। बट एज अ क्लर्क जॉब करने के बाद जितने इम्प्लॉय क्लर्क जॉब करते हैं तो उनका एवरेज सैलरी निकालते हैं। तो एवरेज सैलरी से जिनका सैलरी ज़्यादा है मुझे वैसे इम्प्लॉय को डिस्प्ले करना है, ठीक है, उनका डिपार्टमेंट नेम को। तो क्वेरी, सॉरी, यहाँ पे आते हैं सॉफ्टवेयर पे, एडिटर ओपन करते हैं, तो पहले तो एवरेज सैलरी फाइंड कर लेते हैं जो जो एज अ जॉब जॉब क्लर्क हो जिनका, ठीक है। तो हमें पता है सिलेक्ट एवरेज, मल्टी रो फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर जॉब इक्वल टू व्हाट, जॉब इक्वल टू क्लर्क, CLERK। इनका क्या मिल जाएगा मुझे, एवरेज सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको इनर क्वेरी बना दो। अब इनसे ज़्यादा वाले का मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो ये भी सैलरी होगी, ठीक है। ये अब वेयर कंडीशन में आएगी, वेयर सैलरी इज सैलरी ग्रेटर देन दिस, ये सैलरी से, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर ले जाता हूँ, थोड़ा कंडीशन लिखने है ना इसीलिए, ठीक है। तो जिनका सैलरी ज़्यादा हो उनका मुझे क्या डिस्प्ले करना है, तो उनका मुझे सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है। डिपार्टमेंट नेम कहाँ टेबल है, तो डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है। वेयर सैलरी ग्रेटर देन दिस सैलरी, कंडीशन एक और भी था, ठीक है, कंडीशन एक और था। अब कंडीशन क्या, मैं भी बोल रहा हूँ, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम ऑफ एम्प्लॉय हु सैलरी इज ग्रेटर देन, हु सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द क्लर्क, ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है वो एम्प्लॉय का जिनका जिनका सैलरी एवरेज सैलरी क्लर्क के एवरेज सैलरी से भी कम है, ठीक है। तो अभी तक हमने एवरेज, अब सैलरी क्या है ना कि सैलरी डिपार्टमेंट टेबल में तो है नहीं, तो अब ये जो वेयर है ना इसको यहाँ पे ये भी एक इनर क्वेरी में जाएगा, ठीक है। इसको भी इनर क्वेरी में डालो, ठीक है। अब ये इनर क्वेरी में क्या होगा कहानी, यहाँ से अब ओ नहीं, ठीक है, यहाँ पे वेयर कंडीशन होगा डिपार्टमेंट नंबर, वेयर डेप्थ नंबर इन, देखो वेयर डेप्थ नंबर इन, जहाँ जो सैलरी मिल जाए, जो सैलरी ज़्यादा आया उसका डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करके देना है हमें। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय जिससे ज़्यादा होगा बस उसी को, उसका डिपार्टमेंट नंबर ही फाइंड करना है ना। तो सेव कर लिया, यहाँ से एग्जिट हुआ। सी सेल्स रिसर्च अकाउंटिंग एज सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन इज 48। हाँ, डिस्प्ले द लास्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड विथ 20% हाइक इन सैलरी। मुझे क्या करना है, डिस्प्ले द लास्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड विथ 20% हाइक इन सैलरी। तो मुझे जो लास्ट एम्प्लॉय है उसका क्या करना है, उसका रिकॉर्ड शो करना है, बट एज अ पर्सन उसका जो सैलरी होगा उसमें 25% इंक्रीज करके, ठीक है। तो लास्ट एम्प्लॉय कहने का मतलब जो सबसे लास्ट में कंपनी ज्वाइन किया, तो मैक्स वाला कमांड चलेगा, ठीक है, जिससे हमें मिल जाएगा वो। तो एडिटर पे आते हैं, तो पहले लिखेंगे इसको, तो पहले लिखने से पहले इसको हटाते हैं और लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स ऑफ हायर डेट, ये सबसे लास्ट वाला बंदा है कंपनी में, ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला बंदा है। अब इसी का मुझे क्या करना है, सैलरी शो करना है और
मतलब डिटेल शो करना है, और उसका सैलरी में 25% हाइक भी शो करना है, ठीक है। तो इसका इसको इनर क्वेरी बना दो, और फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से रहेगा, अरे यहाँ से इनर क्वेरी बन गया। अभी ये जो हायर डेट आया उसको किसी के हायर डेट से मैच करना है, हायर डेट से मैच कर दो, ठीक है। यहाँ पे वेयर क्लॉज में कंडीशन होती है, जो डिस्प्ले करना है मुझे क्या डिस्प्ले करना है, तो ईएमपी का रिकॉर्ड डिस्प्ले, तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, उसका जो सैलरी है वो डिस्प्ले, सैलरी ठीक है, और सैलरी में क्या करना है, 25% हाइक करना है। तो जो सैलरी में 25% हाइक करें कैसे, तो सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय क्या, अब कैसे 20% 25% निकालो, 25 से मल्टीप्लाई करो बाय 100, ये हाइक दे देगा। इसको एलियास नेम दे दिए हम लोग, ठीक है। फ्रॉम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। अब देखो यहाँ सारा डिटेल आ जा रहा है। अब ये सैलरी में ये वाला पार्ट 25% का है, तो सैलरी प्लस 25%, तो सैलरी में जो 25% आएगा वो ऐड होके हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो फाइल में जाके सेव करो, फाइल से एग्जिट हो जाओ, सी ओके। यहाँ देखो एडम आ रहा है, ठीक है, कलर कलर, उसकी सैलरी है 1100, और 25% हाइक करने के बाद उसकी सैलरी हो जाती है 1375 रुपये, 1375 ओनली। नेक्स्ट वन, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर हु वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड दे आर मैनेजर। यहाँ पे क्या करना है कि मुझे डिपार्टमेंट नंबर शो करना है उनका, जो कि सेल्स में काम करते हो और जो एज अ मैनेजर जॉब करते हो, ठीक है। तो चलो आते हैं यहाँ पे, एडिटर ओपन, इसकी कहानी ख़त्म। तो पहले क्या करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर फाइंड कर लेते हैं जो कि सेल्स में काम करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है सेल्स जो है, कहाँ गया भाई, सेल्स जो है वो डिपार्टमेंट टेबल में है, तो इसका डिपार्टमेंट नंबर 30 है, तो पहले 30 को फाइंड करके लाते हैं क्वेरी की मदद से। तो मिनिमाइज हो जाओ भाई, यहाँ पे आओ, सेलेक्ट डेप्ट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर सेल्स है, तो डी नेम, ठीक है, डी नेम इक्वल टू सेल्स, एस एल डी एस सेल्स, ठीक है, वेयर से डी नेम इक्वल टू सेल्स, तो इससे डिपार्टमेंट नंबर मिल गया, ठीक है। अब उनका मुझे डिटेल्स तो करना था, डिपार्टमेंट नंबर सॉरी, तो सेलेक्ट डेप्ट नंबर फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी वेयर डेप्ट नंबर इन, ये जो डिपार्टमेंट टेबल से अभी हम डिपार्टमेंट नंबर लेकर आए, एक कंडीशन और था, एंड उन्हीं एम्प्लॉय करना है जिनका जॉब एज अ मैनेजर हो, तो जॉब इक्वल टू MANAGER कंट्रोल एस से सेव, फाइल में जाके यहाँ से एक्जिट, सी डिपार्टमेंट नंबर 30 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न मिनिमम सैलरी एंड हैव रिपोर्टिंग मैनेजर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना कि मुझे वैसे एम्प्लॉय को शो करना है, ठीक है, सॉरी, मुझे वैसे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम शो करना है, ठीक है, हु अर्न मैक्सिमम सैलरी, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा हो, एंड उसका अपना कोई मैनेजर, मतलब रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है। रिपोर्टिंग मैनेजर कहने का मतलब हो गया कि ये जो एमजीआर में है ना, उसका कोई मैनेजर हो, यहाँ कोई मैनेजर ऐसा मतलब कोई खाली ना हो, उसकी मैनेजर आईडी खाली ना हो, ठीक है, तो मुझे उसी को शो करना है। तो इसको पहले क्लियर कर लो भाई, डायग्राम्स जो भी हो रहा है वो, ठीक है, तो उसका कोई मैनेजर हो, ठीक है, एमजीआर वैल्यू खाली ना हो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी का इस वीडियो के लिए, तो एडिटर पे आओ, एडिटर इधर है मेरा, ईडी, ठीक है। अब ये रहा, पहले तो क्या करते हैं, सैलरी फाइंड करते हैं,
सैलरी क्या था, सैलरी का कंडीशन क्या था, हु अर्न मिनिमम सैलरी, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम सैलरी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सबसे मिनिमम सैलरी मिल जाएगा। अब जिसका मिनिमम सैलरी मिलेगा उससे हम एम्प्लॉय का डिटेल फाइंड कर सकते हैं, और जैसे डिटेल फाइंड करेंगे तो हम उसका डिपार्टमेंट नंबर भी मिल जाएगा ना। तो इसको इनर क्वेरी बना, इस सैलरी से मुझे क्या करना है, इस सैलरी से मुझे उस एम्प्लॉय का डिटेल फाइंड करना है। तो उस तो वेयर डिटेल फाइंड करना है, तो लाइक हम डिपार्टमेंट नंबर भी से ले सकते हैं, तो फाइंड कर सकते हैं। तो सेलेक्ट चैप्टर नंबर, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी वेयर, जिसका डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करना है जिसका सैलरी इस सैलरी से बराबर हो जाए, वेयर सैलरी इन दिस सैलरी, ठीक है, इससे बराबर हो गया। इसको भी इनर क्वेरी बना दो भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन काफ़ी बड़ी है इसीलिए इनर क्वेरी बना रहे हैं। क्वेश्चन अगला पार्ट क्या कहता है, हु अर्न मिनिमम सैलरी, उसका डिपार्टमेंट नेम फाइंड करना है, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट नेम फाइंड करना है। तो यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर आ गया, अब क्या करना, इस डिपार्टमेंट नंबर को डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर देते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट टेबल को ले आओ फ्रॉम डिपार्टमेंट, अभी शो क्या करना है मुझे नहीं पता, तो मैं सिलेक्ट लिख देता हूँ अभी फिलहाल, सिलेक्ट क्वेश्चन भूल जा रहा हूँ, तो पहले वेयर इस डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर जाओ, इस डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर जाओ, जो सेलेक्ट डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले करना है डिपार्टमेंट नेम। तो सेलेक्ट टी एन ए एम ई डी नेम, कंट्रोल एस एस सेव, फाइल में जाके यहाँ से एग्जिट हो, सी रिसर्च आ गया आउटपुट आपका। लेकिन ये कंप्लीट आउटपुट नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन एक और था, एंड हैव रिपोर्टिंग मैनेजर, जिसका मैनेजर भी हो। तो यहाँ पे ईडी पे चलो, और एक कंडीशन कहाँ पे लगाना है मुझे ध्यान दो, रखने दो, ये तो स्पेस लगा के यहाँ ले आओ, एम्प्लॉय टेबल में ही लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे चलो, उस डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये इनर क्वेरी यहाँ पे बंद हो जा रहा है, तो यहाँ पे लग जाएगा एक कंडीशन, एंड एंड एम जी आर इज नॉट नल, ठीक, सेव कर दो, फाइल में जाके एग्जिट हो जाओ, इस बार भी रिसर्च आ गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेरी थी। नेक्स्ट जो अभी लगभग ये 50 हमने सॉल्व किया, और लगभग 66 क्वेरीज बची हुई जो हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। बाय।